मैं शारदा थानवी आज अपने YouTube चैनल पर आपको इस वीडियो में करवा रही हूँ हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित एक काल के बारे में सारे ही MCQs यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो सभी हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत बहुत अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो भक्ति काल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए प्रारंभ करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा मानी है 1375 से 1700 विक्रम संवत तक। तो ये वाला आपके पास में आंसर हुआ बी। डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की सीमा मानी है 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी। इसके अंदर आएगा आपके पास में आंसर ए। आगे चलते हैं हम। आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा प्रमुख कारण इनमें से माना है? कि भक्ति आंदोलन का उदय क्या प्रमुख कारण कौन सा था? तो इनमें से आपके पास में आएगा क्वेश्चन, हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति, बी ऑप्शन आ गया आपके पास में। आलवार भक्तों का मूल स्थान कहाँ था? चार नंबर क्वेश्चन है आपके पास में, आलवार भक्तों का मूल स्थान कहाँ था? तो इसके अंदर आंसर है आपके पास में दक्षिण भारत। फिर है पांचवा क्वेश्चन, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? आलवार भक्तों की संख्या मानी गई है 12 है। आलवार भक्त मूलतः किसको कहा जाता है? आलवार भक्त किसको कहा जाता है? ये आता है आपके पास में वैष्णवों को। किनको कहा जाता है? वैष्णवों को। तो आंसर हो गया आपके पास में ए। भक्ति भावना का सेवन नंबर क्वेश्चन है, भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग में माना जाता है? यानी कि भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग में माना जाता है? तो इसका आंसर है आपके पास में दक्षिण भारत। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? चार कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो ये हुआ है आपके पास में जो कथन असत्य है वो है, देखिए, भक्ति भावना ईसाइयों से हिंदुओं को प्राप्त हुई है। तो इसके अंदर आपके पास में आठ नंबर क्वेश्चन में आंसर आपके पास में रॉन्ग आंसर है डी, कि भक्ति भावना ईसाइयों से हिंदुओं को प्राप्त हुई। ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है, ये गलत आंसर है। तो ये हो गया आपके पास में। नौ नंबर क्वेश्चन है, अद्वैत वेदांत का प्रचार किसने किया? तो इसके अंदर आंसर आएगा आपके पास में शंकराचार्य। अद्वैत वेदांत का प्रचार किया है शंकराचार्य ने। फिर है, इनमें से कौन आलवार भक्त नहीं है? आलवार भक्त नहीं है ये पूछा है, तो आपके पास में आंसर आएगा सरहपा। कौन सा आलवार भक्त नहीं है? सरहपा। ये आ गया आपके पास में आंसर दस नंबर क्वेश्चन का। अब हम चलते हैं ग्यारह नंबर क्वेश्चन में। ग्यारह नंबर क्वेश्चन देखिए, यह है आपके पास में, दिव्य प्रबंधन किसके पदों का संकलन है? तो यह है दिव्य प्रबंधन आलवार भक्त का। आलवार भक्त है, इन्होंने दिव्य प्रबंधन नामक इसमें पदों का संकलन किया है। फिर है, आलवार भक्तों के पद किस भाग में हैं? आलवार भक्तों के पद हैं तमिल में। किस भाषा में है? यहाँ पर ये गलत है। आलवार भक्तों के पद किस भाषा में है? तो यहाँ पर ये आएगा आपके पास में तमिल भाषा में। फिर आता है आपके पास में, कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से ग्रहित हैं? यानी कि कौन सा प्रभाव, किसका, किन लोगों का प्रभाव लिया गया है इसके ऊपर? तो ये आएगा आपके पास में नाथ पंथ का। इनमें से कौन संत कवि नहीं है? संत कवि नहीं है, तो इनमें से आपके पास में चौदह में आंसर आएगा ईश्वरदास। ईश्वरदास संत कवि नहीं है। कबीर के गुरु का नाम क्या था? कबीर के गुरु का नाम है रामानंद। फिर आता है आपके पास में, संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किस प्रभाव से की? किसके प्रभाव से की? मतलब संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की? कौन, किन लोगों का प्रभाव पड़ा था उनके ऊपर कि उन्होंने वैदिक परंपराओं की आलोचना की थी? तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपके पास आएगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के प्रभाव से उन्होंने वैदिक परंपराओं की आलोचना की थी। ये हो गया आपके पास में 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर। कबीर का जन्म कब माना जाता है? कबीर का जन्म माना जाता है 17 नंबर क्वेश्चन में। आंसर है आपके पास में 1398। कौन सा आंसर आएगा आपके पास में? 1398 ईस्वी। ये आ जाएगा आपके पास में 18 नंबर क्वेश्चन है, विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? तो इसका आंसर आएगा आपके पास में रामानुजाचार्य। अब आता है, शिव संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम बताइए। तो इनका आंसर आएगा आपके पास में रामानुजाचार्य।
पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक आचार्य कौन सा है? इनमें आंसर आएगा आपके पास में बल्भाचार्य। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य का नाम है बल्भाचार्य। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? सखी संप्रदाय के प्रवर्तक आपके पास में आएंगे स्वामी हरिदास। कौन आएंगे? स्वामी हरिदास सखी संप्रदाय के प्रवर्तक। अब आता है शुद्धाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य कौन है? तो शुद्धाद्वैत के प्रतिपादक हैं अपने पास में निम्बकाचार्य। कौन है? निम्बकाचार्य। ये लगा दिया हमने आंसर। अब देखिए द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? इनका आंसर आपके पास में लगा हुआ ही है मध्वाचार्य। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? मध्वाचार्य। 23 नंबर क्वेश्चन का मध्वाचार्य आ गया आपके पास में आंसर। अब है हमारे पास में 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन का देखिए, नरसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले आचार्य कौन थे? नरसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले आचार्य कौन थे? तो इनका अंदर आंसर आएगा विष्णु स्वामी। कौन थे? विष्णु स्वामी। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या था? 25 नंबर क्वेश्चन का निम्बकाचार्य। द्वैताद्वैत के प्रवर्तक थे निम्बकाचार्य। संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? अद्वैतवाद। संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार है अद्वैतवाद। ये हुए आपके पास में 26 क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द संत काव्य से संबंधित नहीं है? तो ये आता है आपके पास में मारिफत। जो शब्द है वो है मारिफत, उर्दू का शब्द है, संत काव्य से संबंधित नहीं है। फिर आता है इनमें से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है वर्ण व्यवस्था का समर्थन। ये प्रवृत्ति संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। अब आता है हमारे पास में बल्भाचार्य के पुत्र का नाम क्या था? बल्भाचार्य के पुत्र का नाम क्या था? बल्भाचार्य के पुत्र का नाम था गोस्वामी विट्ठलनाथ। क्या नाम था आपके पास में? गोस्वामी विट्ठलनाथ। फिर आता है आपके पास में बंगला भाषा में रचित राम कथा का नाम क्या है? बंगला भाषा में रचित राम कथा का नाम क्या है? क्वेश्चन है अपने पास में 30 नंबर। तो इसका आंसर है आपके पास में कृतिवासी रामायण। बंगला भाषा में रचित राम कथा का नाम है कृतिवासी रामायण। तत्वदीप निबंध के लेखक कौन है? आपके पास में 31 नंबर क्वेश्चन है, तत्वदीप निबंध के लेखक कौन है? तो ये है आपके पास में बल्भाचार्य। ये राइट लगा दिया आपने यहाँ पर। बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? ये सभी को मालूम है बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं। तो ये होते हैं हमारे पास में कबीरदास। कबीर की पत्नी का नाम क्या था? लोई। ये भी सभी को मालूम रहता है अधिकतर। जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, हिंदी साहित्य पढ़ने वाले होते हैं, वो बच्चे जो शुरू से ही पढ़ते रहते हैं ना, कबीर है, रैदास है, सूरदास है, ये जो हमारे तकरीबन छठी से लेकर के चालू होती हैं किताबों में, इनके बारे में रचनाएं, इनके जीवन परिचय के बारे में, तो ये तकरीबन रट सा जाता है। तो ये हो गया आपके पास में बीजक में किस कवि की रचना है? कबीरदास की। कबीर की पत्नी का नाम क्या था? लोई था। आगे चलते हैं हम। इनमें से रामानंद का शिष्य कौन नहीं है ये पूछा है। क्वेश्चन को हमेशा पढ़िए अच्छी तरीके से, फिर उसका आंसर दीजिए। इनमें से रामानंद का शिष्य कौन नहीं है? तो इसके अंदर है आपके पास में आंसर आएगा चतुर्भुज दास। फिर है रामानंद का समय इनमें से क्या है? 35 नंबर क्वेश्चन, इसके अंदर आपके पास में आंसर आएगा 1368 से 1468 ईस्वी। ये है रामानंद का समय। अब हम चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे हम। तो देखिए आगे चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन में। 36 नंबर क्वेश्चन आपके पास में है, राघवानंद जी किस प्रमुख व्यक्ति के गुरु थे? राघवानंद जी किस प्रमुख व्यक्ति के गुरु थे? तो 36 नंबर में आपके पास में आंसर आएगा रामानंद। राघवानंद के जो गुरु थे उनका नाम था रामानंद। फिर आता है सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता कौन है? सिद्धांत पंचमात्रा के रचयिता है अपने पास में राघवानंद। ये आंसर ठीक हो गया। गुरु नानक का जन्म किस सन में हुआ था? गुरु नानक का जन्म किस सन में हुआ था? 38 नंबर क्वेश्चन पूछा है गुरु नानक का जन्म, तो ये हुआ है आपके पास में 1469। ये हो गया आपके पास में 1469 ईस्वी में। फिर आता है इनमें से कौन संत नहीं है? संत नहीं है ये है आपके पास में मीराबाई। मीराबाई संत नहीं है। हरिदास निरंजनी संत है, दादू दयाल संत है, सुंदरदास संत है, लेकिन मीराबाई संत नहीं है। ये तो इनके अंदर आंसर आएगा आपके पास में मीराबाई। फिर है हरडेवानी के रचयिता कौन है? हरडेवानी के रचयिता कौन है? 40 नंबर क्वेश्चन, इसके अंदर आपके पास में आंसर है दादू दयाल। हरडेवानी के रचयिता आपके पास में दादू दयाल। फिर आता है 41 नंबर क्वेश्चन, समाधि योग ग्रंथ किस संत कवि की रचना है? समाधि योग ग्रंथ किस संत कवि की रचना है? देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं जो आपको बहुत अंदर तक ले जाएंगे।
साहित्य के अंदर, भक्ति काल के अंदर तक के क्वेश्चन है इसकी वीडियो के अंदर, तो आपकी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी वीडियो साबित होगा ये। समाधि योग ग्रंथ किस संत कवि की रचना है? तो ये आंसर आएगा आपके पास में, हरिदास निरंजनी की रचना है। फिर सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया? सुंदर ग्रंथावली का संकलन किया है पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने, पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने। सुखमणि के रचयिता कौन है? सुखमणि के रचयिता हैं अपने पास में गुरु अर्जुन देव। सुखमणि के रचयिता कौन है? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव के कितने पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं? गुरु अर्जुन देव के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं? तो ये आपके पास में आंसर आएगा 6000। कितने हैं गुरु अर्जुन देव के गुरु ग्रंथ साहब में? 6000 पद संकलित हैं। असादीबार, सोहिला, रही रास किस कवि की रचनाएं हैं? किस कवि की रचनाएं हैं? सारी की सारी हैं। देखिए असादीबार, सोहिला और रही रास किस कवि की रचनाएं हैं? तो ये आपके पास में आंसर आएगा गुरु नानक की। किसकी रचनाएं हैं? गुरु नानक की। फिर आता है आपके पास में इन सिख गुरुओं में सबसे अच्छे कवि कौन थे? सारे के सारे ही सिख कवि हैं लेकिन सबसे अच्छे कवि कौन थे? तो वो है गुरु अर्जुन देव। कौन है? गुरु अर्जुन देव सबसे अच्छे कवि माने जाते हैं। फिर है आपके पास में सुखमणि, बावन अखरी, बारह मासा किस कवि की रचनाओं के नाम हैं? तो इसका आंसर है आपके पास में गुरु अर्जुन देव। काहरे लल्ली तू कुम्ही लानी, यह पंक्ति किस कवि की है? बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है ये, है आपके पास में कबीर की। किसकी है? कबीर की। चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। 49, ढाई आखर प्रेम के पड़े सो पंडित होए, पंक्ति किस कवि की है? सबको मालूम है, कबीर। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे ना काम, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है आपके पास में मलुकदास की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया है? कबीर की भाषा को क्या नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? तो इसका आंसर आपके पास में आएगा सदुकड़ी, साधुओं की भाषा। कहा है रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा है। वाणी का अगला क्वेश्चन देखिए, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसका समीक्षक ने कहा है? तो ये कहा है आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब आता है साखी सबद रमैनी किसकी रचनाएं हैं? सारे ही कबीर से संबंधित क्वेश्चन चल रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए साखी सबद रमैनी किसकी रचनाएं हैं? 53 नंबर क्वेश्चन। तो ये भी आपके पास में इनका, इसका आंसर भी जैसे मैंने कहा कबीर आएगा। साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? साक्षी। साक्षी का मतलब होता है साक्ष्य। कबीर ने जो देखा, जो समाज की विसंगतियों को देखा, सुना, उन्हीं को लेकर के उन्होंने अपनी साखियों का निर्माण किया, यानी कि साखियों को बोला, उन्हीं से उन्होंने अपनी साखियों की उत्पत्ति की। तो ये है साखी। साखी का मूल तत्सम शब्द आता है साक्षी। तो ये आंसर आता है आपके पास में साक्षी। अब है संत काव्य में किस रस की प्रधानता है? संत काव्य में किस रस की प्रधानता है? 55 नंबर क्वेश्चन। संत काव्य में है अद्भुत रस की प्रधान, संत काव्य में किस रस की प्रधानता है? तो ये है शांत रस की। कौन सा है? शांत रस। याद जाता है आपके पास में शांत रस। कबीर के उलट वासियों में कौन सा रस प्रमुख है? इसके अंदर आएगा आपके पास में अद्भुत रस। फिर आता है अवधू गगन मंडल घर कीजे, यह पंक्ति किस कवि की है? अवधू गगन मंडल घर कीजे, यह पंक्ति किस कवि की है? 57 नंबर क्वेश्चन पे आता है आपके पास में कबीर, आंसर आ जाएगा। फिर आता है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह पंक्ति किसकी है? तो यह है रहदास की पंक्ति, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। दुल्हनी गावहु मंगलाचार, पंक्ति किसकी है? तो यह कवि, यह पंक्ति है कबीर की। यह भी बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है और बहुत से कंपटीशन में पूछी जाती है। पानी हित हिम भया, हिम है गया बिलाए, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति भी कबीर की है। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी आपके पास में आ गया है कबीर। फिर आता है आपके पास में अगला क्वेश्चन 61 नंबर, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म हुआ है फ्रेंड्स तलवंडी। भी आंसर आता है आपके पास में श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? श्रृंगार रस का जिन्होंने घोर विरोध किया था वो है आपके पास में सुंदरदास। जिन्होंने श्रृंगार रस का अत्यधिक विरोध किया वो आते हैं सुंदरदास। फिर आता है आपके पास में सुंदर विलास के रचयिता कवि कौन थे? सुंदर विलास के रचयिता 63 नंबर पर आपके पास में है सुंदर विलास के रचयिता आपके पास में सुंदरदास। कौन है? सुंदरदास। इन संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन थे? सर्वाधिक शिक्षित यानी कि काफी पढ़े लिखे वो थे आपके पास में सुंदरदास।
फिर आपके पास में 65 नंबर क्वेश्चन है, सगुणोपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानता है, पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है, निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है, यह कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन है आपके पास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इसको आप टिक करते हैं बी पर। फिर हम चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन पर। कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंतः साधना में रागात्मकता भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी, यह कथन किसका है? तो यह कथन है अपने पास में 66 नंबर क्वेश्चन पर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका ये आपने टिक किया डी। 66 में आपने सही किया है डी। अब आता है आपके पास में नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है, नामदेव किस प्रवृत्ति से संबंधित थे? तो इनका 67 में आता है आपके पास में सगुणोपासना एवं निर्गुणोपासना, तो इससे संबंधित है नामदेव। ये हो गया। अब है बिठोवा का भक्त किसे माना जाता है, बिठोवा का भक्त किसे माना जाता है? तो ये आता है आपके पास में नामदेव, बिठोवा का भक्त माना जाता है नामदेव को। फिर है आपके पास में भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य थे? आपके पास में 69 नंबर क्वेश्चन है, भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य थे? तो इसका आंसर है हमारे पास में 12। कितना है? 12। 12 शिष्य माने जाते हैं भक्तमाल के अनुसार रामानंद के। फिर आता है आपके पास में गहना एक कनक ते गहना इन मुहु भावना दूजा, इस पंक्ति में कबीर किस दर्शन का प्रतिपादन कर रहे हैं? तो इसमें कबीर कर रहे हैं वेदांत का प्रतिपादन कर रहे हैं, वेदांत दर्शन का प्रतिपादन कर रहे हैं। कबीर पंथ का निर्माण इनमें से किस सिद्धांत से हुआ है? तो इसका है आंसर आपके पास में, कबीर पंथ का निर्माण इनमें से किस सिद्धांत से हुआ है? भारतीय ब्रह्मवाद से, सूफियों का भावात्मक रहस्यवाद से, वैष्णवों का अहिंसावाद से, या उपयुक्त सभी से? तो इसके अंदर आंसर आएगा आपके पास में उपयुक्त सभी। 71 का आंसर जाता है आपके पास में उपयुक्त सभी। अब हम चलते हैं आगे, देखिए कबीर काव्य में उपलब्ध अहिंसा का तत्व किस संप्रदाय की देन है? 72 नंबर क्वेश्चन पर, कबीर काव्य में उपलब्ध अहिंसा का तत्व किस संप्रदाय की देन है? तो ये है आपके पास में वैष्णव संप्रदाय की देन। किसकी देन है? वैष्णव संप्रदाय की देन। कबीर में उपलब्ध ज्ञान मार्ग की बातें आचार्य शुक्ल के अनुसार कहाँ से ली गई? कबीर में उपलब्ध ज्ञान मार्ग की बातें, यानी कि कबीर ने जो ज्ञान मार्ग की बातें कही थी वो आचार्य शुक्ल के अनुसार कहाँ से ली गई थी, यानी कि कबीर ने कहाँ से ली थी वो ज्ञान मार्ग की बातों को, कहाँ से अपने अंदर आत्मसात किया था? वो लिया उन्होंने हिंदू शास्त्रों से। कहाँ लिया? हिंदू शास्त्रों से। आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर को राम नाम किससे प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर है आपके पास में रामानंद से। कबीर काव्य में उपलब्ध प्रेम तत्व किसकी देन है? कबीर काव्य में उपलब्ध प्रेम तत्व देन है सूफी संप्रदाय की। किसकी देन है? सूफी संप्रदाय की। यह आ जाता है आपके पास में सी, सूफी संप्रदाय। फिर आता है आपके पास में कौन सी रचना गुरु नानक ने नहीं की है? कौन सी रचना गुरु नानक ने नहीं की है? तो इसके अंदर आंसर आएगा आपके पास में अष्टपदी योग ग्रंथ गुरु नानक साहब ने नहीं की है। फिर आता है आचार्य शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक किसे माना है? आचार्य शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक माना है कबीर को। किसने माना है? कबीर को। आचार्य शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक माना है किसको? माना है कबीर को। इनमें से संत काव्य की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है? 78 नंबर क्वेश्चन पर देखिए आपके पास में संत काव्य की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है? तो नहीं पूछी है आपके पास में, यह आंसर आ जाता है सगुणोपासक माया महाठगनी हम जानी। पंक्ति किस कवि की है? बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है ये, पंक्ति है आपके पास में कबीर की। किसकी पंक्ति है? कबीर की। हिंदी काव्य का कौन सा कवि समाज सुधारक पहले है, भक्त और कवि बाद में? ये भी कबीर। कबीर को पहले समाज सुधारक रूप में माना जाता है, बाद में उनको क्या माना जाता है? भक्त और कवि माना जाता है। इनमें से सूफी काव्य का दूसरा नाम क्या था? सूफी काव्य का दूसरा नाम, देखिए ये सभी इसके अंदर डी भी दे रखा है, लेकिन इससे पहले हम चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, प्रेम मार्गी शाखा, प्रेमाख्यानक काव्य, प्रेमाश्रय शाखा, या ये सभी। तो ये सभी आंसर आएगा आपके पास में डी, उपयुक्त सभी मतलब सारे के सारे। ऋग्वेद में कौन सा आख्यान उपलब्ध होता है? ऋग्वेद में कौन सा आख्यान उपलब्ध होता है? 82 नंबर क्वेश्चन पर आपके पास में आता है ऋग्वेद में कौन सा आख्यान उपलब्ध होता है? पुरुर्वा और उर्वशी का, सी आंसर आता है आपके पास में। फिर आता है किस अवतार का चरित्र स्वच्छंदतावादी प्रेम पर आधारित है, यानी कि आधारित है? तो है कृष्ण का। कृष्ण ने प्रेम में स्वच्छंदता को अपनाया,
नल दमयंती आख्यान किस ग्रंथ में है? किस ग्रंथ में है नल दमयंती आख्यान? है महाभारत। किस में है? महाभारत में। फिर कृष्ण रुक्मणी का प्रेमाख्यान किस पुराण ग्रंथ में है? हरिवंश पुराण। किस में है? हरिवंश पुराण। तो ये होते हैं आपके पास में 85 क्वेश्चन। अभी हमारे वीडियो में 180 क्वेश्चन है। प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए, पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए और स्क्रीन पर दिए गए बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिए, ताकि मेरे द्वारा डाले गए वीडियो आपको समय समय पर मिल सकें। देखिए 100 नंबर क्वेश्चन में शेख नबी की कौन सी रचना इनमें से है? तो ये है आपके पास में ज्ञानदीप। शेख नबी की रचना कौन सी है इनमें से? तो ज्ञानदीप रचना है। माधवानल काम कंदला नामक रचना किस कवि की है? माधवानल काम कंदला नामक रचना किस कवि की है? तो 101 नंबर क्वेश्चन है, ये आपके पास में आता है। गणपति किसकी रचना है? गणपति की। जान कवि के लिखे प्रेमाख्यानक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? ये आ जाता है आपके पास में 29। रूपमंजरी के रचयिता कौन है? तो रूपमंजरी के रचयिता है 103 नंबर पर, रूपमंजरी के रचयिता है नंददास। कौन है? नंददास। फिर आता है आपके पास में, इसको टिक करेंगे नंददास को। छिताई वार्ता किस कवि की रचना है? छिताई वार्ता किस कवि की रचना है? 104 नंबर पर सी नारायण दास की रचना। किसकी रचना है छिताई वार्ता? नारायण दास की। फिर आपके पास में 105 नंबर क्वेश्चन, गणपति रचित माधवानल काम कंदला किस भाषा में रचित है? गणपति रचित माधवानल काम कंदला किस भाषा में रचित है? भाषा पूछी है। 105 नंबर क्वेश्चन पर आती है आपके पास में राजस्थानी भाषा। कौन सी भाषा है? राजस्थानी भाषा। ढोला मारू रा दुहा किस भाषा में रचित प्रेमाख्यानक है? कौन सी भाषा में है? 106 नंबर क्वेश्चन पर आपके पास में आता है राजस्थानी भाषा, बहुत प्रसिद्ध है ढोला मारू रा दुहा। मधुमालती का नायक कौन है? मधुमालती जो रचना है उसमें नायक कौन है मधुमालती में? तो इसके अंदर आंसर आएगा आपके पास में मनोहर। मधुमालती का जो नायक है उसका नाम है मनोहर। फिर आता है आपके पास में किस प्रेमाख्यानक काव्य का नायक राजकुमार ऋतुपर्ण है? तो इसका आंसर है आपके पास में सत्यवती कथा। किसका है? सत्यवती कथा है। इसका जो नायक है वो जो उसका राजकुमार का नाम है ऋतुपर्ण। फिर उस्मानकृत चित्रावली का नायक कौन है? उस्मानकृत चित्रावली का नायक कौन है? 109 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर आपके पास में है आंसर का सुजान। ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका कौन है? ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका कौन है? तो इसके अंदर आंसर आएगा आपके पास में देवयानी। कौन है आपके पास में जो ज्ञानदीप है, इस काव्य की नायिका का नाम है देवयानी। अब है लैला मजनू के कथानक को हिंदी में प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में प्रस्तुत करने का श्रेय किस कवि को है? किसने लैला मजनू के कथानक को हिंदी में प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में प्रस्तुत किया? इसका श्रेय किसको जाता है आपके पास में? ये श्रेय जाता है जान कवि को। किसको जाता है? जान कवि को। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? पद्मावत लिखा गया है आपके पास में अवधि भाषा में। किस में लिखा गया है? अवधि भाषा में। जायसी ने पद्मावत जब लिखा तब दिल्ली पर किस राजा का शासन था? तो इसका आंसर आएगा आपके पास में शेरशाह का। किसका शासन था? शेरशाह का। 114 नंबर क्वेश्चन, तन चितु अर मन राजा कीन्हा पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? तो इसके अंदर आंसर आएगा आपके पास में बी पद्मावत। लगाया हुआ है आंसर, ये है बी पद्मावत। माधवानल काम कंदला पर प्रेमाख्यानक किस कवि ने लिखा है? तो इसका आंसर है आपके पास में गणपति। ये आंसर आ गया आपके पास में। फिर चलते हैं हम रत्नशेखर कथा के आधार पर हिंदी में कौन सा ग्रंथ लिखा गया? रत्नशेखर कथा के आधार पर हिंदी में कौन सा ग्रंथ लिखा गया? तो इसके अंदर आंसर आ जाएगा आपके पास में पद्मावत। हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यानक कवि एक आंख वाला यानी कि काणा था? हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यानक कवि एक आंख वाला था? तो इसके अंदर है आपके पास में जायसी। जायसी जो थे उनके एक आंख थी, वो काणे कहे जा सकते हैं हिंदी के प्रेमाख्यानक कवियों में। फिर आता है ओ मैं जानी कवित अस कीना मकु यह रहे जगत मह चीना, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति है आपके पास में जायसी। ये किसकी है? ये पंक्ति है जायसी की। ये आती है, निशान लगाया हमने जायसी बी पर। किस काव्य ग्रंथ में रूपकत्व का निर्वाह माना गया है? किस काव्य ग्रंथ में रूपकत्व का निर्वाह माना गया है? तो 119 नंबर पर आपके पास में आता है पद्मावत। इनमें से कौन सी विशेषता सूफी काव्यों की नहीं है? सूफी काव्यों की कौन सी विशेषता नहीं है? चार विशेषताएं बता रखी हैं, कौन सी नहीं पूछा है?
तो 120 नंबर पर आपके पास में आएगा ब्रज भाषा का प्रयोग। कौन सी नहीं है? ब्रज भाषा का प्रयोग सूफी काव्य में नहीं किया गया। किस जैन कवि ने अपने आत्मचरित में मधुमालती एवं मृगावती का उल्लेख किया है? किस जैन कवि ने अपने आत्मचरित में मधुमालती एवं मृगावती का उल्लेख किया है? तो 121 नंबर पर है आपके पास में बनारसी दास। किसने किया है? बनारसी दास ने। जयसी के गुरु का नाम क्या था? जयसी के गुरु का नाम था आपके शेख मोहिदी। ये हो गया शेख मोहिदी। आखिरी कलाम नामक पुस्तक जयसी ने किस शासक के शासनकाल में लिखी थी? आखिरी कलाम नामक पुस्तक जयसी ने किस शासक के शासनकाल में लिखी थी? तो इसका आंसर है आपके पास में बाबर के शासनकाल में। पद्मावत की अधिकतर हस्तलिखित प्रतियां किस लिपि में मिलती हैं? पद्मावत की अधिकतर हस्तलिखित प्रतियां किस लिपि में मिलती हैं, यानी कि कौन सी लिपि है लिखने वाली? ये है आपके पास में फारसी लिपि। कौन सी है? फारसी लिपि में पद्मावत की अधिकतर हस्तलिखित प्रतियां मिलती हैं। मोही का हंसेसी की कोह रही पंक्ति किस कवि की है? मोही का हंसेसी की कोह रही पंक्ति किस कवि की है? तो ये है आपके पास में जयसी की। ये हो गए आपके पास में 125 क्वेश्चन। आगे चलते हैं 126 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 126 नंबर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है आपके पास में, जयसी की किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयां कही गई हैं? किस रचना में, यानी कि कौन सी बुक है, कौन सी पुस्तक है, कौन सी रचना है जिसमें वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर के हिंदी साहित्य में, हिंदी में जितने भी वर्ण हैं उनके एक एक वर्ण के अक्षर को लेकर के सिद्धांत, जो सिद्धांत प्रतिपादित किए उन्होंने, उसके ऊपर उन्होंने चौपाइयां भी लिखी। तो कौन सी जो रचना है, कौन सी रचना है? ये रचना है आपके पास में अखरावट। अक्षरों के ऊपर अखरावट, आखर बोलते हैं ना, आखर, तो अक्षर आखर अखरावट। बहुत अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं आप इस चीज को। आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? 127 नंबर क्वेश्चन। इसके अंदर आ जाएगा आपके पास में कयामत का। पद्मावती के पिता का नाम क्या था? पद्मावती के पिता का नाम था गंधर्व सेन। ये हो गया राइट। पद्मावत में हीरामन किसका नाम है? पद्मावत में हीरामन किसका नाम है? सबको मालूम है, एक तोता। कौन था? तोता। रत्नसेन कहाँ का राजा था? रत्नसेन कहाँ का राजा था? तो ये है चित्तौड़ का। किस कहाँ का राजा था रत्नसेन? चित्तौड़ का। तो ये आपने आंसर लगाया बी। चलते हैं आगे। राघव चेतन का उल्लेख किस प्रेमाख्यानक ग्रंथ में है? राघव चेतन का उल्लेख किस प्रेमाख्यानक ग्रंथ में है? तो इसके अंदर आ जाएगा आपके पास में पद्मावत में है। फिर आता है भूली चकोर दीठी मुखलावा मेघ घटा महचंद देखावा। यह पंक्ति किस ग्रंथ की है? यह पंक्ति है पद्मावत की। बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ पंक्ति है। प्रेम गाथा परंपरा का सर्वाधिक प्रौढ़ एवं सरस ग्रंथ शुक्ल जी ने किसे माना है? प्रेम गाथा परंपरा का सर्वाधिक प्रौढ़ एवं सरस ग्रंथ शुक्ल जी ने किसे माना है? तो ये है आपके पास में। देखिए जो 133 नंबर क्वेश्चन है, 133 नंबर क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे आंसर आएगा आपके पास में सी। गोरा बादल का उल्लेख किस प्रेमाख्यानक काव्य में है? गोरा बादल का उल्लेख किस प्रेमाख्यानक काव्य में है? तो इसके अंदर आ जाएगा आपके पास में 134 नंबर क्वेश्चन पर पद्मावत। गोरा बादल का उल्लेख पद्मावत प्रेमाख्यानक काव्य में है। उस्मान की चित्रावली में किस साहेब वक्त की प्रशंसा की गई है? उस्मान की चित्रावली में किस साहेब वक्त की प्रशंसा की गई है? तो इसका आंसर आएगा आपके पास में जहांगीर की। किसकी प्रशंसा की गई है? जहांगीर की। चित्रावली कहाँ की राजकुमारी थी? चित्रावली कहाँ की राजकुमारी थी? तो 136 नंबर पर आपके पास में है आंसर रूपनगर। चित्रावली रूपनगर की राजकुमारी थी। जयसी के पद्मावत में कितनी अर्धालियों के बाद दोहा है? कितनी अर्धालियां हैं और उसके बाद में दोहा है? तो ये है 137 नंबर पर सात। कितनी अर्धालियां हैं? पहले सात अर्धालियां, उसके बाद में दोहा है। कहां मानसर चाहा सुपाई पारस रूप यहां लगी आई। यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति है आपके पास में जयसी की। किसकी पंक्ति है? जयसी की। जयसी को राइट लगा दिया है। 139 नंबर क्वेश्चन है। देखिए विरह वर्णन के अंतर्गत पद्मावत में बारहमासा का प्रारंभ किस महीने से जयसी ने किया है? तो ये है आपके पास में महीना आता है आषाढ़ का। हंस जवाहिर के रचयिता का नाम बताइए। 140 नंबर क्वेश्चन पर कासिम शाह। हंस जवाहिर का जो रचयिता है वो है कासिम शाह।
फिर आता है नूर मोहम्मद की कौन सी रचना में आध्यात्मिक रूपक है, नूर मोहम्मद की कौन सी रचना में आध्यात्मिक रूपक है 141 नंबर क्वेश्चन पर, 141 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर आंसर आ जाएगा आपके पास में अनुराग बांसुरी। फिर आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी आख्यानक आख्यान काव्यों में किस एक हिंदू कवि का उल्लेख किया है, 142 नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं, सूरदास पंजाबी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी आख्यान काव्यों में किस एक हिंदू कवि का उल्लेख किया है, यह आता है सूरदास पंजाबी। हंसावली की नायिका कहाँ की राजकुमारी थी, हंसावली की नायिका है जो वो कहाँ की राजकुमारी थी, तो इसका आंसर है आपके पास में पाटन की, कहाँ की राजकुमारी थी, पाटन की। कामदेव की स्तुति किस प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथ में है, तो इसका आंसर है आपके पास में माधवानल कामकंदला। फिर पद्मावत का रचना काल क्या है, पद्मावत का रचना काल है 1544 ईस्वी, कौन सा है पद्मावत का रचना काल 1544 ईस्वी, इसको राइट लगाते हैं हम। फिर आता है सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रमुख रस क्या है, 146 नंबर पर, 146 नंबर क्वेश्चन का आंसर है श्रृंगार रस। गुरु के लिए पीर शब्द का प्रयोग किस काव्य परंपरा में हुआ है, गुरु के लिए पीर शब्द का प्रयोग हुआ है सूफी काव्य में, किस में हुआ है सूफी काव्य में। जायसी ने अपने किस गुरु का उल्लेख पद्मावत में किया है, जायसी ने अपने किस गुरु का उल्लेख पद्मावत में किया है, तो उन्होंने किया है सैयद अशरफ का, सैयद अशरफ का उल्लेख पद्मावत में किया है उन्होंने। फिर आता है आपके पास में यह तन जारो छार के कहो की पवन उड़ाव, यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है, तो यह पंक्ति है पद्मावत की। 150 क्वेश्चन पर पहुंच रहे हैं हम, लखन सेन पद्मावती कथा के लेखक कौन है, लखन सेन पद्मावती कथा के लेखक कौन है 150 नंबर पर, तो ये है आपके पास में दामोदर कवि, कौन है दामोदर कवि। फिर आता है आपके पास में 151 उत्तर रामचरित नाटक की रचना किसने की, उत्तम रामचरित नाटक की रचना की है भवभूति ने। फिर आता है प्रसन्न राघव के रचयिता कवि कौन है 152 पर, तो ये आता है जयदेव, प्रसन्न राघव के रचयिता है जयदेव। फिर हम चलते हैं आगे 153 नंबर पर, स्वयंभू के राम कथा काव्य का नाम क्या है, स्वयंभू के राम कथा काव्य का नाम क्या है 153 नंबर पर, तो ये है इनके पौंचरियु, ये हो गया स्वयंभू के राम कथा काव्य का नाम। आधुनिक काल में रचित राम कथा पर आधारित महाकाव्य का नाम क्या है, आधुनिक काल में रचित राम कथा पर आधारित महाकाव्य का नाम है 154 पर सी साकेत, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया। फिर आता है इनमें से गुरु नानक का जीवन काल क्या है, इनमें से गुरु नानक का जीवन काल क्या है 155 पर आता है 1469 से 1538 ईस्वी तक। निम्बकाचार्य ने इनमें से किस सिद्धांत का प्रवर्तन किया, निम्बकाचार्य ने किया है 156 नंबर पेज पर, 156 नंबर क्वेश्चन, निम्बकाचार्य ने इनमें से किस सिद्धांत का प्रवर्तन किया है, तो ये है द्वैताद्वैतवाद का, किसका द्वैताद्वैतवाद का। पुष्टि मार्ग का संबंध किस दार्शनिक मत से है, पुष्टि मार्ग का संबंध किस दार्शनिक मत से है 157 नंबर क्वेश्चन सी शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद का संबंध है पुष्टि मार्ग से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नाथपंथ एवं संत काव्य के बीच की कड़ी किस संप्रदाय को माना जाता है, 158 नंबर पर है आपके पास में निरंजनी संप्रदाय को, किसको माना जाता है निरंजनी संप्रदाय को। ज्ञान समुद्र के रचनाकार का नाम बताइए 159 पर, सुंदरदास। फिर आता है आपके पास में इनमें से दादू दयाल का शिष्य कौन सा कवि है, दादू दयाल का शिष्य कौन सा कवि है, तो 160 नंबर के क्वेश्चन का है आपके पास में आंसर सुंदरदास, दादू दयाल के शिष्य का नाम है सुंदरदास। पद्मावत में पद्मावती किसका प्रतीक है, पद्मावत में पद्मावती किसका प्रतीक है, हृदय का, किसका प्रतीक है हृदय का। पद्मावत की रचना कब हुई, तो इसका रचना काल माना जाता है 1540, कौन सा है 1540 ईस्वी, ये इसका रचना काल माना जाता है। फिर आता है किस प्रेमाख्यानक ग्रंथ में नायक एक पतिव्रत का पालन करता हुआ एक सुंदर राजकुमारी का प्रणय प्रस्ताव ठुकरा देता है, यह है 163 नंबर क्वेश्चन, इसके अंदर आता है मधुमालती, कौन सा है मधुमालती प्रेमाख्यानक ग्रंथ है जिसके अंदर का नायक पत्नी व्रत का पालन करते हुए, एक पत्नी व्रत का पालन करते हुए एक सुंदर राजकुमारी का प्रेम का प्रस्താവ ठुकरा देता है, वो है मधुमालती। ब्रजभाषा कवि नंददास के कवि नंददास के किस काव्य ग्रंथ पर प्रेमाख्यानों का प्रभाव है, तो 164 नंबर का जो है आपके पास में क्वेश्चन, उसके अंदर आंसर आएगा आपके पास में रूपमंजरी, आंसर क्या है आपके पास में रूपमंजरी। इनमें से बल्लभाचार्य का शिष्य कौन नहीं था 165 नंबर क्वेश्चन,
यह है आपके पास में बल्लभाचार्य का शिष्य जो नहीं था वो है नंददास। फिर चलते हैं हम आगे, कबीर द्वारा प्रयुक्त कुंडलिनी योग की पारिभाषिक शब्दावली पर किसका प्रभाव है? 166 नंबर पर नाथ पंथ का, किसका प्रभाव है? नाथ पंथ का। 167 नंबर क्वेश्चन, राजकुमार ऋतुपर्ण इनमें से किस सूफी प्रेमाख्यानक का नायक है? राजकुमार ऋतुपर्ण इनमें से कौन से सूफी जो ग्रंथ है प्रेमाख्यानक उसका नायक है? तो ये है आपके पास में सत्यवती कथा। किस काव्य ग्रंथ में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर सिद्धांत का निरूपण किया गया है? मैंने अभी बताया था जायसी का है और अखरावट, क्या है? अखरावट। 168 का है अखरावट बी। फिर आता है किस सूफी प्रेमाख्यानक की रचना 1503 में की गई? किस सूफी प्रेमाख्यानक की रचना, प्रेम का आख्यान है, ऐसी रचना 1503 में की गई, यानी कि कौन सा ग्रंथ है जिसकी 1503 में की गई? ये है आपके पास में आंसर मृगावती बी। फिर है कौन सा क्रम रचना काल की दृष्टि से ठीक है? कौन सा क्रम रचना काल की दृष्टि से ठीक है? 170 नंबर पर है सी चंदायन, मृगावती, पद्मावत और मधुमालती। कौन सा क्रम रचना काल की दृष्टि से ठीक है? तो सबसे पहले चंदायन की रचना हुई, उसके बाद में मृगावती, उसके बाद में पद्मावत और उसके बाद में हुई मधुमालती की। तो ये रचना क्रम बिल्कुल सही है। अभी तक हमने कर लिए हैं फ्रेंड्स 170 क्वेश्चन। काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, बोरिंग लगे। बोरिंग तो क्या मतलब, थोड़ा सा कभी कभी होता है ना कि हम पढ़ने बैठते हैं थोड़ा सा लगने लग जाता है कि ज़्यादा लंबा हो गया, ज़्यादा लंबा हो गया। लेकिन पढ़ना है तो देखना पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा, तो ज़रूर देखिए। अभी हमारे 10 क्वेश्चन और बाकी हैं, तो चलिए चलते हैं 171 नंबर क्वेश्चन पर। कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो ये है हमारे पास में जो कथन है, चार कथन दे रखे हैं। देखिए पहला कथन, जान कवि का समय 1612 से 1664 ईस्वी है। माधवानल कामकंदला की रचना राजस्थान में हुई है। नूर मोहम्मद का रचित इंद्रावती ब्रजभाषा में है। छिताई वार्ता के रचनाकार नारायण दास हैं। तो इनमें से जो आपके पास में आंसर गलत है वो है सी, नूर मोहम्मद द्वारा रचित इंद्रावती ब्रजभाषा में है, ये गलत है। सो दिल्ली अस निबहुर देसु कौना बहुरा कहे सनेसु, में दिल्ली किसका प्रतीक है? में दिल्ली किसका प्रतीक है? इसके अंदर आ जाएगा आपके पास में परलोक का। किसका प्रतीक है? परलोक का, ये हुआ आंसर। नागमती कौन थी? नागमती कौन थी, ये आंसर आएगा आपके पास में। देखिए नागमती कौन थी? रत्नसेन की रानी। कौन थी? रत्नसेन की रानी, नागमती थी रत्नसेन की रानी। सो धनी बिरहे जरी मुई तेहिक दुहा हमह लाग में, धनी शब्द किसके लिए आया है? तो इसके अंदर जो आंसर आएगा आपके पास में वो आएगा नागमती। इसके लिए कौन सा आंसर आएगा आपके पास में? नागमती, ये आया है आपके पास में। धनी जो शब्द आया है वो नागमती के लिए आया है। फिर आता है शेरशाह सूरी के समय कौन से प्रेमाख्यानक की रचना हुई? शेरशाह सूरी के समय कौन से प्रेमाख्यानक की रचना हुई? तो इसके अंदर आंसर आएगा आपके पास में पद्मावत की रचना हुई। शेरशाह सूरी के समय में पद्मावत की रचना हो गई। फिर आता है मोही का हसीय की कोह रही, यह पंक्ति किस कवि की है? 176 नंबर, यह है आपके पास में जायसी की, ये रचना किसकी है? जायसी की। कौन सा संत कवि श्रृंगार रस का घोर विरोधी था? कौन सा कवि श्रृंगार रस का घोर विरोधी था? तो ये है आपके पास में कौन है? सुंदरदास। सुंदरदास संत श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि माने जाते हैं। फिर आता है आपके पास में कौन सा कवि सबसे पहले उत्पन्न हुआ? कौन सा कवि सबसे पहले उत्पन्न हुआ यानी कि पैदा हुआ? वो है 178 पर आंसर जो आएगा आपके पास में कबीर। कौन संत का सबसे पहले जो जिनको जन्मा माना जाता है, जिनका जन्म हुआ, वो है कबीर। अंगवधु के संकलनकर्ता कौन थे? अंगवधु जो है उनके संकलनकर्ता थे आपके पास में रज्जब। कौन थे? रज्जब। एक ही क्वेश्चन है 180, वो करते हैं अब हम। तो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, हीरामन तोता किस सूफी प्रेमाख्यानक का पात्र है? हीरामन तोता है पद्मावत का। कौन सा सूफी काव्य था? पद्मावत में हीरामन तोता था, पद्मावती के पास में, तो वो हीरामन तोता पद्मावत प्रेमाख्यानक का पात्र है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो के हमारे पास में सभी क्वेश्चंस हो गए हैं। 180 भक्ति काल से संबंधित, हिंदी साहित्य के भक्ति काल से संबंधित ये वीडियो है जो हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए बेल आइकन को दबाना है। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।